जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक अमरीका जी श्योर, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। सानिया रहमान डेटा जे जितने भी अरीना ऐप टैग और इकरा जो भी हैं वो सब एक ही टेरिटरी में आते हैं। श्योर, वेरी गुड, वेरी गुड, मामला आते हैं ज़बरदस्त। माशाल्लाह आप लोगों से बहुत खुशी हुई मिल के, और आप लोगों की एफर्ट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ग्राउंड पे आप ही लोग हैं, हम पीछे हैं, ग्राउंड पे आप ही लोग हैं और आपकी एफर्ट्स जो हैं एफर्टलेस है। बेस आप लोगों की ग्राउंड बिल्कुल आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस कीप इट अप इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से है ना? ठीक है जी, श्योर, शुक्रिया, थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारी टीम इस वक्त यहाँ पूरी मौजूद है और ब्रीफिंग देने के लिए ज़कीर आफ्ताब साहब को एक छोटा सा सेशन रखा है, जॉइंट सेशन जिसमें हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं और अपनी अपनी कारकर्दगी के मुतालिक जो है ना वो ज़कीर साहब को आगाह करेंगे। तो बहुत शुक्रिया ज़कीर साहब आपकी आमद का, और तमाम जो हमारे लोग हैं उनके भी बहुत शुक्रिया आमद का। तो फर्दर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मासूमा साहब से स्टार्ट। मैं स्टेट से आया हूँ तो सिर्फ मुझे ये जानना है कि आप इसको यहाँ पे किस तरह डील कर रही हैं और आपका क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे लीगल देखिए अमानतदार आपको पता है कि एक वेलफेयर ट्रस्ट है, तो कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि हम हर ऑर्गेनाइजेशन जिससे भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं या जिससे हम एग्रीमेंट करते हैं तो उनको हम लीगल क्राइटेरिया में हमने बताते हैं कि ये हमारा क्राइटेरिया है और इसके अंदर हमने काम करना है। आपको पता है कि इसमें हमें जो ज़्यादातर हमें अपने जो डोनर्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करना है ताकि वो जो उनका एक पर्पज़ है, जो उनका एक शरई या इस्लामी जो इनकी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक उसको हम लेकर चल सकें ताकि इन फ्यूचर उनके लिए कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन हम अरीना और जो दूसरे क्या कहते हैं एपटेक के साथ हम कर रहे हैं उनके साथ हम बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उन्हें देखते हैं एमओयूज बना के देते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं आपने इसके अंदर रह के काम करना है। सेम इसी तरह से हमारा आ जाता है खाने का दस्तरखान का आ जाता है और हैंडपम्प का आ जाता है ताकि पानी का जो जिन इलाकों में पानी का प्रॉब्लम है आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो खाने का, तालीम का और क्या कहते हैं शेल्टर का होता है। फिलहाल हम जो कर रहे हैं दो एरियाज को कवर कर रहे हैं, एक है शेल्टर एंड सॉरी खाना है और दूसरा है एजुकेशन। तो उन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं तो बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं हम जिसमें तमाम तरह लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं कि इन एरियाज के अंदर रह के इस क्राइटेरिया में रह के हमने अपना काम करना है। ठीक, वेरी गुड। अच्छा आप एजुकेशन देखती हैं तो मुझे सिर्फ अपना क्राइटेरिया बता दीजिए कि आप किस तरीके से स्टूडेंट्स पिक करती हैं और क्या क्या उसकी ज़रा सा मुझे उस पर ब्रीफ कर दीजिए। जैसे बहुत शुक्रिया सर, हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ रब्ता करते हैं क्योंकि हम लोग तालीम पे काम कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली स्टूडेंट के बिहाफ पे काम करते हैं और स्टूडेंट्स भी ऐसे कि जिनके जो एलिजिबल होते हैं उनके लिए हमने फिल्टर हमारी एक क्राइटेरिया है जिससे गुजर के वो बच्चा पहुँचता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो नीडी हो, उसका एलिजिबल होना उसका क्राइटेरिया पर पूरा उतरना भी बहुत ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंगली हम उसके डिफरेंट हमारे पास कोर्सेज़ हैं, ऑफ़र्स हैं जो हम उन्हें ऑफ़र करते हैं कि आप आईटी में डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो, आप किस तरह अब स्कूलिंग है, हिप्स है, माशाल्लाह बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो अभी हम डील कर रहे हैं और डिफरेंट बड़े इदारों के साथ कर रहे हैं। तो उसमें हमारा फिल्टर्ड क्राइटेरिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है तो वी आर वेरी हैप्पी और हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से भी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर हो ताकि आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन हो कि आपके जिस तरह की डोनेशन आ रही है उसी तरह यूज़ हो रही है। वेरी गुड। तो आप पहले ये कर रहे हैं कि जैसे कि 100-200 बच्चे ले लिए और उनको पहले प्रॉपर वेट किया और जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है आपने उससे उसको आपने उसको लाइन अप कर लिया, राइट? नहीं, अकॉर्डिंगली है, अदरवाइज मोस्टली ये होता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे मोस्टली अरीना मल्टीमीडिया है, एप्टिक है, इकरा वाले हैं
तो क्योंकि कोविड का सीज़न चल रहा था और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो एजुकेशन हासिल करते करते बच्चे जो थे वो ड्रॉप ऑफ हो गए थे, तो हम लोगों ने पहले इंस्टीट्यूशन से ही रब्ता किया कि आप लोगों के पास ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं, जो चेंज चल रही है उसमें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है कि कौन से बच्चे छोड़ गए हैं। फिर हमने पहले उनसे कॉन्टेक्ट किए, उनको देखा कि वाकई ही उनकी पैसों की रीज़न थी या उनकी कोई और रीज़न थी, और फिर उस तरह अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम था और बच्चा जो था वो बहुत अच्छा था और पढ़ना चाहता भी था और उसकी विलिंगनेस, उसकी इंटरेस्ट, उसकी हर चीज़ शामिल थी, तो हमने उसको वेलकम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनवर्ड्स चल रहे हैं। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त।